आप लोग अपने शो की कास्ट को बाहर ही छोड़ा यार। How dare you? और यहाँ की तो लड़कियाँ भी मुझे छेड़ रही थी, I don't know why. अरे यहाँ की लड़कियों को भरोसा मत करो, यहाँ टॉफी की पैकिंग में चिंगम आती है, तुम वो आम खराब है, पता नहीं कौन को लड़कियाँ समझ रही हो। मैंने बेहद का ट्रेलर देखा पाजी, और इतना मजेदार ट्रेलर है, और इसमें ऐसी प्रेमिका है ये जो इनको प्यार करती है, इस चक्कर में ये एक बाबा को हाथ दिखाती हैं कि हमारी आगे चल के जिंदगी कैसी रहेगी, और बाबा बोलता है कि खास नहीं है फ्यूचर, तो ये इनका घर जला देती हैं। I mean, तो अगर वो बाबा कहता कि आपका फ्यूचर बड़ा अच्छा है, तो आप बाबा को फ्लैट ले देती ना? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सही बात है ना, आप किसी के पास इतनी उम्मीद से जाता है कि बाबा जी प्लीज बताइए, जैसे कुशाल लेकर गए थे वहां पर कि हमारी शादी कैसी होगी, शादी अच्छी नहीं होगी, अरे ऐसे कोई बोलता है क्या, झूठ ही बोल दो यार। Actually, तो अगर अच्छा बोलता तो मैं शायद उनके लिए महल खड़ा कर देती, लेकिन बुरा बोला तो मैंने उनकी झोपड़ी जला दी। ऐसा मुझे कभी कोई प्यार करने मेरी मिली नहीं। हद से ज्यादा कुछ नहीं अच्छा होता कबीर। मैं तो कहता हूँ हो ही जाए हद से ज्यादा अभी, क्योंकि हद तक भी नहीं कुछ हुआ। तो मैंने सुना कि आप फोटोग्राफर बने हैं उसमें। बिल्कुल। अच्छा, आजकल हर बंदा अपने हाथ से सेल्फी ले लेता है, आपको लगता है घाटे का प्रोफेशन? इसीलिए मैंने किया है, जो मेरा काम है वो दुनिया कर रही है, मैं बैठ के आराम से एंजॉय करूंगा। ऑफिस में ये मेरे इंटर्न हैं। अच्छा, काम के अलावा ये सब कुछ करते हैं। एंड जुगाड़ू है, चामर है, और जुगाड़ से सारी लड़की को मतलब अपने बातों से फंसा लेता है। अच्छा, अब माया कैसे फंसती है और मेरी दोस्त सांझ कैसे फंसती है? हुई है, हुई है। हमारा शो शुरू हो रहा है मंडे टू फ्राइडे 9 o'clock ऑन सोनी टीवी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यंग लेडी। थैंक यू। बंदे सारे फिट हैं, शो पक्का हिट है। Awesome, thank you so much. Okay. That means a lot. Thank you so much, Jennifer, Kushal, and Aneri. Wish you all the best. Thank you. Bye. Thank you so much. Thank you. Thank you, Jennifer. भाजी, आज हमारे बीच वो फनकार आ रहे हैं जो पिछले 20 साल से खूबसूरत म्यूजिक से हम सबको एंटरटेन करते आ रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने दिल चाहता है, कल होना हो, कभी अलविदा ना कहना, बंटी और बबली, तारे जमीन पर, माय नेम इज खान, और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी फिल्मों के म्यूजिक को सुपरहिट ही नहीं बल्कि यादगार बना दिया। प्लीज वेलकम द अमर अकबर एंथनी ऑफ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री, मिस्टर शंकर एहसान लॉय। करेंगे वो सेटल डाउन तो हो लेने दो। शंकर सर, एहसान सर, लॉय सर, आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीराने में भी चले जाएं तो उसे गुलशन बना देते हैं। वाह। अपने संगीत और सुरों से हर महफिल को सजा देते हैं। ठोको। गीत अमर कर देने का करिश्मा है जिनके पास, अरे जुगनू को भी छू दें तो चमकता सितारा बना। सर, आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है, आइए प्लीज। ये सोफा जो है आपके लिए बकायदा पेस्ट कंट्रोल करवाया गया है। अच्छा, मैं क्योंकि म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन हूँ और आप तीनों का इतना बड़ा फैन हूँ, मैं शंकर सर से तो मुलाकात होती रहती है। एहसान सर, आप लॉय सर, आप मुझे जानते हैं? हाँ, मैं जो सर, सबसे पहले तो आप सबको, हाँ मिस्टर कपिल शर्मा, माने कोई स्टॉर्म लॉर्ड। सर, आप तीनों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। मिर्जा का म्यूजिक जो है, आपके पहले जितने भी एल्बम्स आए हैं, जितने भी पहले आपने फिल्मों में म्यूजिक दिए हैं, एज यूजुअल लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। ये मजाक नहीं है, हकीकत है। जो आज आपने म्यूजिक आके यहाँ बरसाया है ना, रिमझिम बरसात की तरह, कसम से कह रहा हूं, 250-300 एपिसोड हो गए, आज नवजोत सिंह सिद्धू नाचता हुआ दूसरी बार स्टेज पे गया। दूसरी आज आप तीसरी चौथी पांचवी बार भी आएंगे, अभी तो मामला शुरू है। नहीं, नहीं, आत्मा को छू लिया। थैंक यू वेरी मच। आत्मा जगा दी, एकदम से बंदा खड़ा हो गया, सरदार खुश हुआ। मिर्जा में हम लोग दो इरा की कहानियां साथ साथ चलते हुए देख रहे हैं, एक कंटेम्प्रेरी मिर्जा है और एक मिर्जा जब हुआ करता था उस जमाने में। अच्छा, शंकर सर ने जैसे गाया है, आप उस जमाने में होते, आप आवाज देते ना, मिर्जा वापस आ जाता सर, मुझे ऐसा लगता है। मिर्जा एक बार तो देखो, ओहो शंकर जी आया मैं। सर, आपने फिल्म में म्यूजिक भी दो एरा का ही क्रिएट किया है, एक तो कंटेम्प्रेरी और एक जब मिर्जा दिखाया गया है कि असल में मिर्जा जिस पीरियड में था। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अच्छा,
पूरा जो स्टोरी है इट्स वोवन अराउंड द म्यूजिक. पहला हम लोग ने म्यूजिक क्रिएट किया. ओके. जैसे स्टोरी बढ़ता जाता है टाइम जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे जाता रहता है जी. तो बट द म्यूजिक जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है. ओके. जो मतलब जो उस जमाने के प्यार की जो गूंज है वो आज भी होनी चाहिए. सो दैट इज बेसिकली द थिंग. तो बेसिकली जो स्टोरी टेलिंग है वो म्यूजिक के थ्रू ही दर्शकों को बताई जा रही है. नॉर्मली फिल्म में आप देखें 5 गाने होते हैं, इस फिल्म में 15 गाने हैं. तो सर पेमेंट कितनी फिल्मों के लिए आपने क्योंकि क्या है कि कुछ गाने छोटे जी, कुछ गाने बड़े. ओके. तो वजन के हिसाब से हमें पे कर रहे हो. अच्छा. जो लंबा गाना है उसके लिए और पैसे मिले. ओके. एकदम छोटी सी जो गाने थी लाइक 30 सेकंड्स है उसमें कुछ 2000 रुपये मिले. अच्छा हो गया हमने अपने वजन के हिसाब से पेमेंट दे. आप जानते हैं सबसे ज्यादा किसको मिलता पेमेंट है ना. इस फिल्म के गाने जो गुलजार साहब ने लिखे हैं हिंदी और उर्दू के ऐसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि अच्छे अच्छे हिंदी समझने वालों को भी कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं. तो ऐसे मुझे एक्चुअली पहली बार पता चला था कि किसको बोसा कहते हैं. गुलजार साहब के गाने में था बारिश का बोसा. मैं डोसा ही पता था, मेरे को बोसा मेरे को पता नहीं था. तो सर आप जब उनके गाने कंपोज करते हैं तो आपको कोई ट्रांसलेटर लगता है कोई, मतलब पहले उनको तो आपको शंकर हमारा एहसान सर बताते हैं. हम लोग गुलजार साहब को भी बहुत हम लोग तंग करते हैं ये इस शब्द का क्या मतलब है. वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन हम लोगों का जो वोकैबुलरी है हिंदी तीनों का मिला के मतलब आप सिर्फ टेलीग्राम भेज सकते हो इतना ही वोकैबुलरी. फिर भी हम लोगों के साथ मिल के द वे ही वर्क्स विद अस हमारे लेवल तक आके एंड इज सो एनकरेजिंग इट्स अनबिलीवेबल. सर गुलजार साहब की बात करें हीरे तो बहुत हैं संसार में लेकिन कोहेनूर शताब्दियों में एक बार आता है. करेक्ट सर. वी लव यू गुलजार साहब. अच्छा आप सबने हमारे देश के जो महान लिरिसिस्ट हैं गुलजार साहब जावेद अख्तर साहब आपने दोनों के साथ काम किया है तो सर आपको क्या डिफरेंस लगता है उनके गानों में. वन ऑफ देम गुलजार साहब ही इज सरियल. सरियल बोलेंगे तो आसमां के सिरे खुल गए यू नो स्टफ लाइक दैट. तो वो जो नॉर्मल चीज़ें हैं जी उसको लेके एक नेचर के साथ जोड़ के वो इमेजिनरी वर्ल्ड एक क्रिएट करते हैं. जावेद साहब का ऐसा है कि सिंपल सी बात में वो बहुत बड़ी बात कह देते हैं. देखिए शंकर जी एसन जी लॉय जी ये तो 3G हो गया. इसे अगर आप दलेर पाजी को साथ में लेके आते ना तो मुझे चलता, मेरे पास 4G भी है. इसे कहते सच्ची कलाकार आते ही ना ऐसे धनाधन धराधन जोक पे जोक मारे जाते. गॉड वैसे कैसे हैं आप लोग. Fantastic. आपको देखने के बाद तो और ही अच्छा. I just like to introduce myself in a musical way. Sir, I'm big fan of three of you. Big fan. वैसे मैं आपको बता दूं कि ये तो सिर्फ आपकी बड़ी फैन है, मैं तो एग्जॉस्ट फैन हूँ आपका. फैन हो के मैं एग्जॉस्ट ही नहीं होती. नहीं सच में एहसान जी मैं आपको बताऊं आपका तो डायलॉग भी मुझे याद है. मुझ पे एक एहसान करना, मुझ पे कभी कोई एहसान ना करना आपका ये ना. Excuse me, शंकर जी की कसम ये तुम पे तो लॉय भी ना करे. Because ये कौन से ग्रह से आती है, किस भाषा में बात करती है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है. और वैसे भी सर पे पौधा क्यों उगा रखा है आपने. Excuse me, ये इको फ्रेंडली जूड़ा है, मिट्टी तो बालों में रहती है तो बारिश हुई तो पौधा निकल आया. मिट्टी किसके वालों में रहती है. चलिए रहने दीजिए. वैसे शंकर जी एसएन जी लॉय जी आप लोगों को जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि आपसे प्रभावित होकर हमने भी अपना बैंड बनाया है. Yes. तू जाके कहीं 40 अंडों का आमलेट बना अपने लिए. तू बैंड कैसे बना लिया, आता पता भी है कुछ बैंड का तुम लोगों को. देखिए हमें आता भी है पता भी है और मेरी मेंटर मंगेशकर लता भी है. हमारे लीड सिंगर को मैं बुलाना चाहूंगी अगर आप मुझे आज्ञा दें तो. आज्ञा है. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे बैंड के लीड. मेरा पर्स वापस कर जो तुमने निकाला. पर्स वापस कर मेरा तुम्हें ढापा मैंने देखा तेरे को. आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी NRIT
NRIT मतलब? New Rockstar in Town! जैसे आप लोगों का बैंड है, I must tell you, हम तीनों का भी एक बैंड है, हेलो! बट हमारे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है. डिफरेंट क्या है मतलब? मतलब जैसे ये परफॉर्म करते हैं तो लोग आ जाते हैं स्टेज के ऊपर डांस करने के लिए, हम लोग परफॉर्म करते हैं तो पिछली बार क्या हुआ, मेरे को लोगों में जाना पड़ा. मेरे को लोगों ने बुला लिया. डॉक्टर साहब, वो जो ऐसे यहाँ से पकड़ के ऐसे, उसको बुलाना नहीं कहते, उसको घसीटना कहते हैं. मैंने देखा आपका वो शो. जो भी है, मैं तो ये कहता हूँ लोगों में मेरा क्रेज इतना है कि लोग पागल हो जाते हैं, मुझे अपने सिर पे बिठा लेते हैं. हालांकि इन्होंने इम्प्रोवाइज किया है, सर पे बिठाते नहीं है, इनको लिटा के इनकी बॉडी पे चढ़ जाते हैं. इनको कहते हैं कि हमें अपने गुरु का नाम बताओ, हमें दोनों को साथ में मारना है ऐसे. गुरु को भी साथ में मार रहे हैं. हाँ, वो कहते हैं किसने सिखाया, उनको लेके आओ. अब वो आ नहीं सकते क्योंकि उनका काम है कुल्फी बेचने का. यकीन है ना? नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा. नहीं, वाह. नहीं, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा. आपको सभी लोगों की सब जानकारी होती है ना, इन हमारे कॉन्सर्ट में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है, बाथरूम में क्या चल रहा है, सब पता होता है. ऐसे कैसे कर लेते हैं आप, अपना नाम कपूर शर्मा से बदल के गूगल शर्मा क्यों नहीं रखते? बंबर, तुमसे मैं एक बात कहनी भूल गया. वो आए थे तुम्हारे चाचा जी, वो मैसेज देख गए थे, कहते गट अप. आपको शायद पता नहीं है कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी कितने इंटेलिजेंट हैं. इन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल करके कुछ ऐसा किया है कि हमारा हर शो हाउसफुल होता है. आई एम श्योर सर. यस, टेक्निक निकाली है जी हमने. जैसे सिद्धू साहब, कोई इनका प्रोग्राम होता है तो एंट्री फीस रखते हैं, हम एंट्री फीस रखते ही नहीं है. एंट्री फ्री. हम एग्जिट फीस रखते हैं. एंट्री में तो क्या है, 100 रुपया भी आदमी बड़ी मुश्किल से देता रहता है. एग्जिट में 10,000 रुपया देने के लिए तैयार हो जाता है. और वैसे आपके बैंड में और हमारे बैंड में एक और छोटा सा फर्क है. आप लोग जो है बड़ी बड़ी फिल्मों में संगीत देते हैं, हम ऐसे छोटे मोटे मौकों पे भी संगीत दे देते हैं. क्या हम बड़े छोटे का ना भेदभाव नहीं करते? तुम तो दे देते हो म्यूजिक, सामने वाले लेते हैं कि नहीं लेते? ऑफ कोर्स लेते हैं. अभी आप बर्थडे पार्टी ले लीजिए, मुंडन ले लीजिए, किटी पार्टी ले लीजिए, कई बार तो लोगों के चौथे पे भी हम म्यूजिक दे देते हैं. Excuse me guys. अरे बोल क्या रहे हो? Let's show them. Let's sing. Come on. हाँ हाँ. तुम्हारी माँ ने बताया नहीं ये गाना इनका है? अरे आप उनके सामने उनका गाना सुनाए जा रहे हैं आप? अच्छा, इनका गाना है तो? ओह, आपको पता नहीं, आपका गाना रेडियो में बहुत बजता रहता है. मेरे को लगा ये कोई लवारिस गाना है, तो मैंने वहां से उठा लिया और इनको दे दिया. नहीं, पता नहीं था, पता नहीं था, पता नहीं था आपका गाना. कोई बात नहीं, आपको मैं ओरिजिनल गाना सुना दे. ओरिजिनल ओरिजिनल. गुलाटी, तू चीयर कर रही है कि डरा रही है मेरे को? मेरे मैं मर जाना था अभी. थोड़े दूर रखे क्या करे सब. Water for you. I have water. Water. ये हम कौन पानी पिलाते हैं भाई? डॉक्टर साहब, आपने गाना शुरू करना है, कॉन्सर्ट आपका खत्म हो गया, टाइम खत्म हो रहा जा रहा है आपका. गई गई गई. 10 बजे तक परमिशन है, 9:45 आपको जूते पड़ेंगे. आपके ये बैंड का नाम क्या है? नाम में क्या रखा है, मेरे को शेक्सपियर ने कहा था. आपसे कहा था? आपसे. सबसे कहा था तो सब में मैं भी आ गया ना यार.
नाम में क्या रखा, तो मैं कहता हूँ मेरा नाम में रख दो बैंड, उसमें क्या है, मेरे को कोई लालच नहीं है। नहीं, अगर आपको सच में लालच नहीं है तो मैं अपने नाम से शुरू कर लेती हूँ। हमारे बैंड का नाम होगा बम्पर मशहूर विद्यावती। अच्छा इधर आ। हाँ तेरा गिटार दे मेरे को। हाँ हाँ लीजिए ना, आपको गिटार का तो कितना शौक है आपको। ये नाम से क्या होगा भाई, एक मेरी तरफ से भी वोट देना था आपको। देखो नाम पहले मेरा आएगा, अगर मेरा नाम पहले नहीं आया ना, मैं सबके लगा दूंगी वाट। अरे सुनो मेरी बात, आप लोग लड़के रहे हो, किसी का भी नाम आगे लगा लो, टैलेंट तो आप में से किसी में भी नहीं है। देखिए ये आपने बहुत गलत बात कह दी, बहुत गलत बात कह दी। अगर आपको डाउट है तो हम अभी दिखा देते हैं, वी हैव बुफेज ऑफ वॉइसेस। सबसे पहले मैं शुरू करूं। विद्या यू नीड माइक? या आई विल। डू यू नीड गिटार? नो थैंक्स। ये गाना भी आप ही ने बना, आप लोगों ने? यस एक्जेक्टली, एकदम ओरिजिनल है ना। कभी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ये हमने स्कूल में ही बना लिया था जी। योर टर्न बम्पर, चैलेंज, शो योर टैलेंट। मेरा मेरी बारी है। यस यस कम। कुछ भी। ओके रेडी। मैंने अपना टैलेंट दिखा दिया है, थैंक यू वेरी मच। गुलाटी जी अब आपकी बारी है। ये गाना था। मेरे को लगा गला साफ कर रही है। चलो कोई नहीं। आपको क्या आता है गुलाटी साहब? आई एम ए गुड लर्नर। अच्छा आपको पता है मैं सीखता बहुत जल्दी और अच्छा हूँ। जैसे डॉक्टरी फॉर एग्जाम्पल, मेरे को फिल्म में देखना शौक था सिद्धू साहब, मैंने ना फिल्मों में डॉक्टरी देख देख के सीख लिया ना, बिकेम ए डॉक्टर। वेरी गुड। मैं सब कुछ बोल लेता हूँ, आपके पास समय कम है, आपने आने में देरी कर दिया, एंड इट्स परफेक्ट। इसी तरह से अगर आप मुझे वो ब्रेथलेस सिखा दें शंकर साहब, वो तो बहुत ईजी है। मैं आपको अभी के अभी परफॉर्म करके दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। वो थोड़ा सा मर गए हैं, कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर साहब को कुछ हो गया, पहियों वाला पलंग लाइए जल्दी। पाजी ये ब्रेथलेस क्या गाया है, आप तो शंकर सर मतलब इंडिया से श्रीलंका अंडर वाटर स्विमिंग करके जा सकते हैं, इतना खतरनाक गाया पाजी। मिर्ज़ा जो फिल्म है, एक लव स्टोरी है जिसमें मिर्ज़ा के जो होने वाले साले थे, साहिबा के भाई, वो मतलब चाहते नहीं थे कि मिर्ज़ा साहिबा आपस में मिलें, तो ये उसी के ऊपर फिल्म है ये। और बाद में कैसे उनकी लव स्टोरी बढ़ती 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 आगे चल के दोनों को अपने प्यार के लिए जान देनी पड़ती है। अच्छा शंकर सर, हमने सुना है जो आपकी पर्सनल साहिबा हैं, हमारी भाभी जी, मैंने सुना उनके भाई भी आपको मिलने नहीं देते थे। अच्छा सुना है कहीं हमने, इज इट ट्रू सर? बहुत हमने मतलब ऑलमोस्ट मिर्ज़ा साहिबा का ही कहानी मेरे साथ भी हुई है। पंडित जी एंडिंग ऐसा नहीं है। टच भगवान ना करे कभी किसी की हो ऐसी। एक्चुअली वी वर चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स, वो 8th स्टैंडर्ड में थी और मैं 11th में था। अच्छा तब से हमारा जो लव स्टोरी है वो शुरू हुआ। और सर जो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं महान, आप जैसे ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, वो तो कहते हैं बचपन से ही मेरा संगीत की तरफ ध्यान था, आपका मतलब बचपन से ही? बचपन से तो बचपन से इसकी अटेंशन म्यूजिक तरफ नहीं थी, संगीत तरफ, संगीता तरफ थी इसकी। मतलब आप संगीत की आड़ में अपने रोमांटिक पने को छुपा रहे हैं। बड़ी बड़ी बात है यार, समंदर भरा होता है कहते किसी कलाकार के अंदर, प्यार का समंदर भी आप में कूट कूट के भरा है 11th स्टैंडर्ड से। वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट। सर आपका भी कभी ऐसे लोचाई उल्फत हुआ है बचपन में कभी? लोचाई उल्फत मैंने मतलब इसकी बाल गिर गई, देखो इतनी टेंशन से इसकी बाल ही गिर गई। मतलब हुआ है बचपन में आपका भी?
ऐसा हुआ कि अब बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्या हुआ था? आपको पता भाई जी, शंकर सर पहले इंजीनियर थे और एहसान सर लॉस एंजलिस में म्यूजिक पढ़ने के लिए गया, म्यूजिक पढ़ने के लिए गए थे। लॉयर सर जो हैं दिल्ली में काम करते थे। तो सर आप आपस में मिले कैसे थे? मुकुल आनंद जी की वजह से, क्योंकि मैं इनके लिए एड फिल्म्स करते रहता था जी। एक दिन वो मुझे बुलाए अकेले कि अपने ऑफिस में आ, मेरी बात करना है। तो मैं गया, सोचा कि कुछ एड फिल्म के लिए मीटिंग होगी। सो आके बोला कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जी, और मैं चाहता हूँ कि आप एक गाना करो इसके लिए। तो सर देखिए, मैं इन दोनों के साथ तो काम करते ही रहता हूँ जी, दोनों तीनों साथ में, तो बोले जितने भी चाहे ज्वाइन कर रहा हूँ, मगर एक गाना कर दे। तो ट्रायल से हम लोग कर रहे थे एक गाना जी, तो वी कंपोज समथिंग, और मुहूर्त के दिन जो प्रोड्यूसर्स आए और देखे, वो मुगल आनंद जी से पूछ रहे थे कि म्यूजिक डायरेक्टर्स कौन है। देखिए वो तीन जो खड़े हैं ना, वो तीनों म्यूजिक डायरेक्टर। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ढोलक, वो लोग ढोलक प्ले करने के लिए आ रहे, ढोलक सेक्शन। अच्छा, देखिए वो जो तीन खड़े हैं ना, उन लोग ही कर देंगे प्रोग्राम। अच्छा अच्छा, तो फिर वो जो वायलिन सेक्शन सब आ रहे, उसको नहीं बुला रहे। देखिए वो जो तीन खड़े हैं ना, उन लोग ही वायलिन करेंगे। तो फिर और अरेंजर कौन है? वो तीन जो खड़े हैं उन लोग ही अरेंज। तो अभी एक गाना गाने कौन वाला है? वो बीच में खड़ा है ना, तो उन लोग सोचे कि दिस सॉन्ग इज गोइंग टू बी अ सुपर डुपर फ्लॉप। अच्छा, तो शाम को जब उन लोग वापस आए, तो उन लोग गाना सुने, इट वाज अ सॉन्ग कॉल्ड चांदनी। वो गाना उन लोग सुन के बोले कि वी वांट यू टू डू द होल फिल्म। क्या बात, एक ही ऐसे इत्तेफाक से इट बिकेम अ करियर। वी नेवर, इट वाज नेवर अ प्लान। आई थिंक कि फेट एंड यू नो गॉड पुश्ड अस इन दिस डायरेक्शन टू बी टुगेदर। ये मुकुल आनंद साहब की जिनकी फिल्म की बात कर रहे हैं 10, तो मुकुल जी का देहांत होने की वजह से ये फिल्म उस समय रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन इसका गाना इतना पॉपुलर हो गया था, सुनो गौर से दुनिया वालों, आज भी जब कभी 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई भी पेट्रियोटिक फंक्शन होता है, ये गाना बजे बिना वो माहौल, वो महफिल पूरी नहीं होती। तो कपिल जी, आज की तारीख में जी जो सिचुएशन चल रहा है जी, उसके लिए ये गाना जरूर बजाना चाहिए। आपने गाना गाया और मेरे अंदर से शेर फड़क के बाहर आया। हम भी दिल रखते हैं, सीने में जिगर रखते हैं, इश्क सौदाए वतन रखते हैं और सर रखते हैं। ये माना न जोर ही रखते हैं न जर रखते हैं, मगर हिंदुस्तान के लिए वलवला जोशो मोहब्बत मगर रखते हैं। आज तो ऐसा लग रहा बॉर्डर पे बैठे हुए हम। चलिए तालियां। अच्छा सर, आप जब म्यूजिक क्रिएट करते हैं तो आपस में तीनों तो जैमिंग करते हैं, लेकिन हर किसी का एक अपना अपना यू नो एक अंदर ही रूह सही होता है कि कभी आप किसी खास जगह पे बैठते हैं, किसी खास एनवायरनमेंट में, तभी ऐसे आइडियाज आते हैं। जैसे मुझे नहाते हुए आते हैं ज़्यादातर, मोस्टली आई क्रिएटेड दिस शो इन वॉशरूम ओनली, आई मीन द कॉन्सेप्ट। ऐसा कुछ होता है कि मौसम का असर होता है? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, ये सब वहम है कि मतलब बहती हुई नदी होनी चाहिए, शांत वातावरण होनी चाहिए, झाड़ होनी चाहिए। एक्चुअली जो है थोड़ा सा डेडलाइन होनी चाहिए। मतलब कि एक बार जब हम गए थे गोवा, वी स्टेड एट द हॉलीडे विलेज करण जौहर के साथ, हम कभी अलविदा ना कहना का म्यूजिक कंपोज करने गए थे। हम वहाँ बैठे 5 दिन के लिए और एक भी गाना नहीं कंपोज। अच्छा। क्योंकि हम लोग वहाँ आराम से बीच, वाटर, नाइस हॉट सन, एक भी आइडिया, वी डिडंट गेट अ सिंगल आइडिया। इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं और हम लोग एक भी गाना नहीं कंपोज कर, दिस इज टेरिबल। मैं अपने फोन पे आइडियाज रिकॉर्ड करता हूँ और मुझे एक आइडिया मिला उधर और वो आइडिया ऐसा शुरू हुआ। आपके आने से पहले ना हमें इस बात पे बड़ा गर्व था कि हमारे यहाँ पे लोग 10-10 घंटे बैठे रहते हैं, आप तो 2-2 मिनट बाद खड़े करवा रहे हो। लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, क्या बात है सर, जोरदार तालियां हैं। सर दैट वाज VVS। व्हाट इज दैट? वेरी वेरी स्पेशल। वेरी वेरी स्पेशल। ऑल आई कैन से इज दिस शो इज VVS। ओह थैंक यू सर। भाजी आपको पता है लॉयर सर ने एक बड़ा ही खूबसूरत कंपोज किया था टाइटल ट्रैक, शाहरुख भाई, शाहरुख खान साहब। अच्छा। उनका पहला सीरियल था फौजी, तो उनका जो म्यूजिक है वो लॉयर सर ने दिया था। सर आपको नहीं लगता आजकल एक और लड़का, उसका शो बड़ा हिट है, उसका कुछ बन सकता है? अभी बनाते हैं एक हो जाए लाइव सर, कुछ भी
कुछ लाइंस दे दीजिए ना सर, कुछ भी बता भाई। बात है कि जो होना है वो हो, जो होना है वो हो, हो। तू खा पी के सो, ये है कपिल शर्मा शो। उससे पहले क्या बात है, ये है क्रिएटिविटी का कमाल। बहुत क्या बात है सर, कमाल, बैठे बैठे बना दिया यार। तो शंकर एहसान लॉय हमारे सामने हैं, आपके चहेते म्यूजिक डायरेक्टर। आप लोग जो भी बात करना चाहते हैं एक एक करके अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी सबसे पहले कौन? आजी भाई साहब। जी भाई साहब। हेलो एवरीवन। हेलो, मेरा नाम विजय जायसवाल जी, बिहार मोतिहारी जिला फुलवरिया से हूँ। अच्छा सर, मेरा सवाल शंकर जी से है। सर आपने 18 साल से संगीत लाइन में है, आपने हिंदी गुजराती मराठी तमिल सारे गाने गाए हैं, लेकिन आज तक सर आपको मैंने भोजपुरी गाने सुनते हुए नहीं देखा। एक्चुअली पहला ऑलमोस्ट हमारा जो पहला फिल्म था शूल, जिसमें उसमें हमने गाना किया था, वो गाना इतना बड़ा हिट था और उसका अंग थोड़ा सा जो था ना वो भोजपुरी अंग था। no. सर आप ही का गाना है भाग मिल्खा भाग में हवन कुंड के मस्तों की झुंड। हाँ मैं सोचता हूँ उस पर आप दो लाइन कह। इधर आओ, इधर आओ। आपको नीतीश कुमार जी ने भेजा, इतनी फरमाइशें कर रहे हैं, मतलब बैक टू बैक फरमाइशें आ रही हैं। नीतीश जी का भी वहाँ पे सही से नहीं चल रहा है, दारू बंद कराए फिर चालू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने चालू करा दिया फिर से बंद करा दिया। एक सेकंड, दारू बंद हुई है बिहार में इसलिए तो नहीं मुंबई आए तुम? नहीं सर। तो शंकर सर हम लोग एक सिटी केबल की प्रोग्राम बनाते हैं, आप आए हैं तो आज हम लोग प्लीज जल्दी से सेटअप लगाया जाए। तो देवी और सज्जनों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सिटी केबल के प्रोग्राम में। तो आज के हमारे डिबेट का मुद्दा है कि हिंदी सिनेमा के गीत मतलब के होते हैं या बेमतलब के। तो इस विषय में हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं कुछ मतलब के लोग और कुछ बेमतलब के लोग। तो मतलब के लोगों में से हमारे साथ मौजूद है मुंबई से शंकर एहसान और लॉय साहब, और बेमतलब लोगों में से हमारे साथ जुड़ी हुई है बेमतलब 80 रोटियां खाने वाली औरत और बेमतलब औरत घूमने वाला इंसान। मतलब औरत नहीं बने हैं, इससे घर बार चलता है हमारा, समझे? बात करता है। रोला साहब आप चलती डिबेट में कैसे घुसा है? और चलती डिबेट में आता है, रुकी हुई डिबेट में कौन आता है? मैंने कल इस आदमी को इसकी शर्ट पकड़ के ऑलमोस्ट मैंने नाक पहुंच दिया था, ये फिर भी आ गया। ओ माय गॉड, शंकर एहसान लॉय साहब आए, मैं आपका बड़ा फैन हूँ, मुझे ऐसा लगता है जो आप जितने भी गाने बनाते हैं वो सारे मेरी ड्रिंकिंग हैबिट्स के ऊपर बनाए। तो आपका गाना था मन मगन मगन मगन, मैं इतना मेरे को अच्छा लगा, मैं दिन पी रहा था, मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मेरे को समझ ना आया कि गाने की वजह से टूट रहा हूँ या दारू की वजह से। मेरे को बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा हुआ। थोड़े दिन पहले गणपति जी आए थे, आज शंकर जी आए, बहुत अच्छा लगा। चलो भाई शुरू करो यार। जी जी बैठिए प्लीज। अरोड़ा साहब शुरू हो चुका है, करो क्या? तो फिर खत्म हो जाओ। तो जी चर्चा शुरू करते हैं हमारी डिबेट पे। बेटे तुम करो चर्चा, मेरे पहले बड़े चर्चे हैं। आप बताइए आपको हिंदी सिनेमा के गानों से क्या प्रॉब्लम है? अरे सिद्धू साहब मेरे को पहले उस गाने से बड़ी प्रॉब्लम थी, कहती पौ कहती पै, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन जब से मैंने इस आदमी का मुंह देखा वो मेरे को गाना ठीक लगने लगा। कहती पौ कहती पै, ये कोई गाना हुआ यार? हाँ जी मैं आपके मुंह पर जो पौ करता हूँ। रोड साहब आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, मुझे तुम पे कॉन्फिडेंस है, तुम कहीं पे भी गोबर कर सकते हो। तुम और ये कहीं पे भी कर देते हैं। मुंह संभाल के बात कीजिएगा। तू अपना मुंह संभाल, टीवी से बाहर जा रहा है। अरे नहीं जाएगा, हम अपने कंधों से मुंह को बांध के आए हैं, कुछ नहीं होगा। प्लीज आप लोग मुद्दे से मत भटकिए, प्लीज प्लीज मुद्दे पे रहिए। जी शंकर सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कुछ गाने ऐसे होते हैं हिंदी फिल्मों में, प्लीज
like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates